जनपद सहारनपुर का ग्राम ढाका देवी है, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ युवा नेता मौजूद हैं, वासिल अलवी जी मौजूद हैं। जानेंगे उनसे उनकी क्या मनसा रही है, प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हैं, जानेंगे सर आपकी क्या मनसा रही है, आपके गांव में किस किस प्रकार का विकास होना चाहिए, आप क्या क्या कहेंगे सर इसमें? जी पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अपना कीमती वक्त लेकर आप हमारे पास आए। हमारे गाँव का जो विकास है, आप भी आए हो, आपने देखा होगा कि हमारे गांव में क्या विकास हुआ हुआ है। हमारी सोच ये है और मेरे इरादे हैं कि सबसे पहले तो जो मेरा काम होगा, अगर मेरे गांव की जनता ने, मेरे बड़ों ने और युवाओं ने मेरा साथ दिया, तो सबसे पहले गांव में हॉस्पिटल होगा और गांव में पानी की तंगी है। आप देखते हो पानी आपको भी हमने पिलाया, अच्छा नहीं है पानी, तो सबसे पहले पानी की टंकी, हॉस्पिटल और कॉलेज होगा। ये मेरे तीन मुख्य काम हो गए। और फिर आपने देखा होगा गांव में कच्चे मकान बहुत ज़्यादा हैं हमारे यहाँ, तो हम अगर हमें मौका मिला तो अपनी खूब मेहनत करेंगे, हर समाज से ताल्लुक़ रखेंगे और हर समाज के पास जाकर उनकी परेशानियाँ जो है वो दूर करेंगे। विकलांग और कुछ गरीब परिवार ऐसे होते हैं जो महिला जिनकी बेटियाँ बहन बेटियाँ रह जाती हैं, उनको कन्यादान के उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, उसमें क्या कहेंगे सर? हम हर तरीके से हर समाज के साथ में बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, जो भी जिसकी परेशानी है उसको इंशाल्लाह पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये मेरे वादे हैं और इरादे हैं। क्या कहेंगे इसके साथ है जी, हम अच्छा करेंगे जी। बहुत अच्छी बात कही, बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद थे और भी साथी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे वासिल अलवी जी, प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे इसमें? हम इनके साथ हैं सर जी, डालना जो काम होगा बढ़िया होगा। आपकी क्या राय भाई साहब? हम इनके साथ हैं। और भी साथी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ रखना चाहेंगे भैया अपनी बात? बस यही रखना चाहेंगे, हॉस्पिटल होना चाहिए गांव में और जो जिस चीज़ की दिक्कत है वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये भाई को उठा रहे हैं हम अपने। वासिल प्रधान जिंदाबाद, संभालने के काबिल है, क्या लगता है आपको? जी उम्मीद है इंशाल्लाह कि अपने गांव में कोई बिरादरी पक्ष बात नहीं है और नहीं होगी। हमारे गांव में उससे पहले भी ये बात नहीं है, चाहे कोई प्रधान बने, लेकिन अब भी ये बात बिरादरी पक्ष वाली नहीं कभी पहले हुई और नहीं आगे होगी। और जो गाँव के सभी लोग जानते हैं कि देहाती गाँव है, इसमें एक तो हॉस्पिटल, किसी भी वक्त मरीज बीमारी हो सकती है, नई पुरानी बीमारी उठ जाती हैं, इसमें गरीब अमीर सभी होते हैं, जो किराए का भी जुगाड़ नहीं होता। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा कामयाब हो और ये सहूलता अस्पताल की, हॉस्पिटल की यानी यहीं गांव में हो जाए। और ये बड़ा जो कॉलेज है, जो बच्चे गरीब आदमी जो बाहर की फ़ीस डबल और तकड़ी फीस नहीं अदा कर पाते, इसलिए वो अनपढ़ रह जाते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए और ये सब काम मुकम्मल हो जाए। किसी भी बिरादरी से और किसी भी कौम से यहाँ इस बात का ताल्लुक़ नहीं, यहाँ अपने गांव का बल्कि देहात तक भी इस बात की कोशिश में हमारा उम्मीद है कि बच्चा रहेगा, कि कोई विकलांग है या कोई बेवा है या भाई किसी की बच्ची जवान है, वो शादी का कोई इंतज़ाम नहीं है या उसकी विकलांग की परवरिश का इंतज़ाम नहीं है, हम उम्मीद है कि हमारा बच्चा इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों का खवा किसी भी कौम से हो, सबकी देखभाल करने के लिए हमारा बच्चा तैयार आएगा इंशाल्लाह, और हम खुश हैं भाई। जिनके सर पे ऐसे बुजुर्ग महाफिज का हाथ हो, जो कि इतनी अच्छी बात उन लोगों ने बताई है, विकलांग और गरीब परिवार के लिए जो बात बताई है और विकास में जो कमियां रह गई हैं, जो कि बच्चा प्रधान पद का उम्मीदवार है। आपको एक बार फिर हम बता दें, प्रधान पद के प्रत्याशी हाजी दाऊद के पोते जो ग्राम ढाका देवी से प्रधान पद के उम्मीदवार हैं वासिल अलवी जी, उनको बहुत अच्छे से ग्रामवासियों का समर्थन मिल रहा है, जिंदाबाद के उनके नारे यहाँ पर लगाए गए हैं। और एक बुजुर्ग माफीज ने बहुत अच्छी बात रखी, एक बार फिर वासिल साहब से जानना चाहेंगे, कुछ आपकी बात हैं, कुछ रखना चाहेंगे सर? जी हाँ, मैं एक बात और अपनी तरफ से रखना चाहता हूँ। मेरे समाज में किसी भी कौम का या किसी भी परिवार से, क्योंकि मैंने हफ्ते में 7 दिन जो होते हैं उसका भी मैंने हिसाब किताब जोड़ के रख रखा है, किसी को मेरे पास आने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ने की। हर समाज के पास, हर बिरादरी के पास मैं खुद चल के जाऊंगा, एक दिन उस बिरादरी का रखना, दूसरा दिन उस बिरादरी का, के उनसे पूछना आपकी क्या परेशानियां हैं, जो भी उनकी परेशानियां होगी इंशाल्लाह सुम्मे इंशाल्लाह वे हल होगी। एक बात बहुत अच्छी बात कही है वासिल भाई,
बहुत अच्छी बात कही है वासिल भाई ने, और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, कुछ कहना चाहेंगे? बड़े बड़े बुजुर्गों का इस बच्चे के ऊपर, इस भाई के ऊपर हाथ है, और सभी लोगों ने एक जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया है। जो ईमानदार और एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि इनके मन में कोई पक्षपात नहीं है, सर्व समाज की आवाज़ उठाने का ये लोग कार्य करेंगे। मैं आस मोहम्मद शाह, आज हमने दिखाया है ननोता एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से, जनपद सहारनपुर का ग्राम ढाका देवी में वासिल अलवी जी प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। बने रहे ननोता एक्सप्रेस न्यूज के साथ, मैं आस मोहम्मद शाह। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए भी सब्सक्राइब करें ननोता एक्सप्रेस न्यूज को।